है। बाकी ये सारा आपने जैसे जो राजस्थानी ब्रीड है जैसे सिरोही अजमेरी गुजरी ये सबके मिक्स में कटिंग किया, जैसे कोटा हो गया, जैसलमेरी हो गया, ये सारा मैंने पट्टी से दिया हुआ है। ताकि एक तो तीन तरह के बकरे होते हैं, एक तो आता है जिसमें कि 50% माल निकलता है, एक आता है जिसमें 55%। तो ये अपन जब इसकी कमर पकड़ते हैं ना तो इसकी कमर ये देखो यहाँ से अंदर से हड्डी चुभने लग जाती है। अच्छा, अगर जो कमजोर होता है हड्डी चुभने लग जाए, जो गोल माल होगा ना उसकी हड्डी नहीं चुभेगी। अपन जैसे हाथ की अपन कलाई पकड़ते ना वैसे इसके हाथ में आएगी। ऐसा है आईसर गाड़ी के में, और बड़ी जो लोरी आती है मोड़ासे वाली उसमें कम से कम रात दिन का एक 20,000 का फर्क है। इस गाड़ी में और बड़ी गाड़ी में ऐसा है कि इस गाड़ी में जो क्वांटिटी है वो कम आएगी, हालांकि भाड़ा वही लगेगा। आइसर की वो रहेगी रनिंग पे चलेगी, वो रनिंग पे नहीं चलेगी, वो डायरेक्टली जाने जाने का लेगी, ये अप डाउन का लेगी, ये अपन प्राइवेट यहाँ से करके लेके जाएंगे। तो ये यहाँ का यहाँ से जैसे गाड़ी पार्टी के माल खाली करके वापस आने तक का इसका किराया है। आयसर का ऐसा नहीं, आयसर का जाने जाने का एक तरफा ऐसा। इसमें क्या है कि 70-75% वो माल आएगा, ठीक है, उसमें 150 पीस डाल सकते हैं, वो डाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब तो आयसर ज़्यादा सस्ती, आयसर ज़्यादा सस्ती पड़ती है। इस पर तो क्या 1,000 रुपये, 800 रुपये, 1,200 रुपये ऐसे अलग अलग पीस के अनुसार, जैसे जो लंबा डिस्टेंस है उस हिसाब से आता है। और आयसर में तो क्या आता है 450, 600, 450, इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ती बकरे पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पी के राज व्लॉग में। दोस्तों आज हम वासु गोट फार्म पे हैं। अरे भाई नमस्कार। जी नमस्कार सर। भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे फार्म पे, आपके फार्म पे हम आए हैं जी। और अभी जैसे नज़र आ रहे हैं आपके पास में। हाँ अभी है बच्चे खड़े कटिंग के, करीब 200 पीस के लमसम है अपने पास। हाँ तो भाई अंदर ही चलते हैं, चलो जानकारी लेंगे, डिटेल लेंगे। जी भाईजान अभी है 200 पीस का ऑर्डर है, 100 पीस तो अपने को चेन्नई में डालने हैं गुड़ियातम में, और 100 पीस है हैदराबाद मोइनाबाद के। अच्छा दो पार्टी है। अच्छा दो पार्टी मतलब है। माल आपने सेल कर दिया है ना। हाँ ये जो कलर हुआ हुआ है, ये जो कलर लगा हुआ है इस पे ये सेल हुआ हुआ है, और दूसरी पार्टी का अलग कलर किया हुआ है। अच्छा ये कटिंग वाला है या फार्मिंग वाला है। ये अभी फिलहाल में जो माल है वो कटिंग का है, इसमें कोई 5-10 पीस है जो फार्मिंग के है। बाकी ये सारा आपने जैसे जो राजस्थानी ब्रीड है जैसे सिरोही अजमेरी गुजरी ये सबके मिक्स में कटिंग किया, जैसे कोटा हो गया, जैसलमेरी हो गया, ये सब माल इसमें मिक्स में पूरा जो राजस्थानी ब्रीड के है। हाँ सब सब सभी इसमें शामिल है। जैसे आप फार्मिंग वाले कह रहे हो तो फार्मिंग वाले इनके साथ ही, फार्मिंग वाले तो जैसे कुछ नहीं, वो तो कोई अलग से नहीं। जैसे अभी देख लो ये फार्मिंग का माल है, ये देखो ये सिरोही कलर में आता है, स्पोर्ट कलर में उसमें आता है, ठीक है। और दूसरा ये इधर रहे, ये देखो ये सिरोही में ये आते हैं फार्मिंग कलर में, फार्मिंग। तो ये भी अपन ने मिक्स में डाल देते हैं। अच्छा मिक्स के अंदर ही है, मिक्स के अंदर ही डाल देते हैं। एवरेज कितना है इनका वजन का? इनका एवरेज वजन आएगा 25 kg के करीब। अच्छा 25 kg के आसपास। हाँ 25 kg के आसपास आएगा। इनमें कोई उम्र वाली नहीं लगती भाई इनके अंदर? नहीं इनमें कोई, ज़्यादातर तो यही आते हैं अपने 4 महीने, 5 मंथ के, 6 मंथ के, यही 3 मंथ के यही बच्चे इसमें। तो इसके अंदर जैसे 7-8 महीने से नीचे के हैं सारे ही नीचे के हैं, या 10 महीने तक ज़्यादा? नहीं 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 10 महीने का तो बहुत बड़ा बकरा है। 8 महीने तक? 6-7 महीने, कोई एक दो बकरा है 8 महीने का, बाकी सही है। कटिंग वाले बकरे के अंदर जैसे 8 महीने के आसपास के जो बकरे होते हैं उनका जो मीट होता है काफी ज्यादा बिकता है, मतलब उनका काफी ज्यादा टेस्टी होता है खाने में, हेल्दी लगता है, क्वालिटी भी काफी, क्वालिटी भी अच्छी होती है इसलिए। अच्छा अच्छा इसके अंदर आप भाई पट्टी से दोगे या फिर आपने टोल के हिसाब से आपने? ये सारा मैंने पट्टी से दिया हुआ है, ये देखो इसकी शाइनिंग देखो, और अच्छा डबल हड्डी माल है, चिकासदार माल है। अच्छा इसकी कमर देखो आप, जो गोल माल है से कच्चा माल नहीं है, ये सारा मैंने पट्टी से दिया हुआ है। ये भी काफ़ी शानदार भाई, ये वाला जो बकरा है काफ़ी शानदार है। ये मैंने पट्टी से दिया हुआ है, ये है, ये अलग अलग जगह से कलेक्ट किया हुआ है, ये पूरे ओल्ड राजस्थान से कलेक्ट किए हुए हैं, ये देखो बकरे मतलब एकदम शानदार। हाँ इसमें क्लास के जो कटिंग वाले आ जाते हैं, कटिंग कटिंग वाले। ये जो आदमी मटन के जो पर्पस पर काम करता है उसके लिए फायदेमंद नहीं है। अच्छा जी तो इसमें क्या जो रेशियो है इनका, जो मतलब जो मीट का जो रेशियो है जी, मतलब हाई है? ये छोटी साइज वाले जो बकरे हैं ना, ये देखो ये चिकासदार, ये इनकी शाइनिंग देखो आप, इनकी कमर देखो आप, ये कमर पे इनमें क्या है कि एक तो तीन तरह के बकरे होते हैं, एक तो आता है जिसमें कि 50% माल निकलता है, एक आता है जिसमें 55%। तो ये वो माल है जिसमें 55% ही
माल निकलेगा मतलब। अच्छा अच्छा। इसमें वो नहीं है कि भाई के 40% निकलेगा 45% निकलेगा। इनकी शाइनिंग देखो आप, इनकी ये डबल हड्डी है देखो, यहाँ अपन हाथ लगाते बकरों को यही पता चल जाता है। हाथ से किसे पता लगाते जैसे? किसे इसमें मतलब ये अपन जब इसकी कमर पकड़ते हैं ना, तो इसकी कमर ये देखो यहाँ से अंदर से हड्डी चुभने लग जाती है। अच्छा। अगर कमजोर होगा हड्डी चुभने लग जाए, जो गोल माल होगा ना उसकी हड्डी नहीं चुभेगी। अपन जैसे हाथ की अपन कलाई पकड़ते ना वैसे इसके हाथ में आएगी। जी जी जी, ऐसा है। तो डबल हड्डी उसी को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। इसमें फुल फिटिंग माल है मतलब, ये चिकास वाला माल है। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी का जैसे टूल खुली हुई हो। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है मतलब। वैसा नहीं है, ये तो गोश्त से पता चल रहा है आपको, शाइनिंग से ही है। यहाँ से कमर से पता चल जाएगा आपको भाई कि इसमें कितना मटन है कितना नहीं है, ऐसा है। तो टोटल आपने 200 पीस दिए हैं? हाँ हाँ, ये 100 पीस है, 100 पीस अंदर अभी है अंदर। अंदर वो वाले हाँ, ये देखो इसी साइज के, ये बड़े बड़े बकरे भी इसी पट्टी में डाल रखे हमने, ये वाले बड़े, ये भी हाँ, ये देखो ये फुल फिटिंग माल के ये डाल रहे हैं। अगर जो रात दिन काम करने वाला है कटिंग का, हाँ, तो मतलब बेस्ट जो बकरे हैं वो कह सकते हो? हाँ वही है कि ज़्यादातर कि इनका बॉडी वेट अपने जो मटन लाइव वर्जन आता है वो आएगा 8 kg, 9 kg, 10 kg। अच्छा। लास्ट हाईएस्ट 12 kg है। अच्छा। तो इनका जो लाइव वेट है वो हो गया अपने 20 kg से लेकर 30 kg तक हो गया। 30 kg तो बहुत हाई हो गया, मतलब 28 kg तक, 27 kg तक है, ऐसा है। तो सेल का क्या है भैया, आपने तरीका है मतलब आप? ये मैंने सारे कलेक्शन करके इनको पट्टी से बना के दिया, मैंने पट्टी से दिया मैंने 6,750 रुपये की, 6,750 की मैंने इनको पूरा पट्टी बना के दिया है। तो पट्टी के अंदर ये इशू उठाते हैं क्या कि भाई ये तो कमजोर है इसको तो आप निकाल दो? नहीं, तो वो कोई 2-5 बकरे जैसे हल्के होते हैं तो वो अपन ऑलरेडी पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ करके निकल डाल देते हैं। और पहले बात तो ये है, जब अपन माल लेते हैं तब कस्टमर को पहले ही सैंपल का वो दिखा देते हैं कि भैया ये माल मिलेगा आपको और ये ही माल मिलेगा, वही है। कुछ कमजोर है तो कुछ हाई भी है, हाई भी है। अभी एवरेज वजन अभी देख लो, जैसे ये बकरा है ठीक है, अभी ये बकरा आपको ये इतना बड़ा बकरा दिख रहा है ठीक है, 35 ये 35 के करीब है, ये 35 है। और अभी ये बकरा देख लो, एक ये देख लो आप ठीक है, अभी इसको और इसको देखो आप, ये कमजोर है ना, ये भी कमजोर नहीं, ये भी फुल फिटिंग माल है, ये है ना, यहाँ से ये यहाँ पे अपन हाथ लगाएंगे ना तो यहाँ पे जो हड्डी है ना वो अपने उस हाथ में चुभेगी नहीं। अच्छा, ऐसा है। इसका वेट ये 22 kg, 23 kg ऐसा है। और ये देखो ये 25 kg के करीब। ये बुलेरो मिक्स है अपना, ये वाले आ जाएंगे 75 नंग ऐसा है, साठ सत्तर मतलब हाँ क्वान्टिटी के अंदर 70 पीस के करीब आ जाएंगे। ऑल इंडिया अपना बड़ी गाड़ी तो जैसे कस्टमर पे डिफरेंट है, कितने गोट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से है कि भाई जैसे कोई 100 का है, कोई 250 का है, कोई 2 का है, मतलब 200 का है, वैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बड़ी गाड़ी करते हैं। बड़ी गाड़ी जैसे कितना उसके अंदर आ जाता है? बड़ी गाड़ी के अंदर जैसे अपन आईसर लेते हैं, आईसर लेते हैं डबल पार्टीशन 19 फीट की गाड़ी लेते हैं तो उसमें 150 करीब जानवर आ जाते हैं, ऊपर नीचे डबल टेकर गाड़ी आती है उसमें। अच्छा, कोई तो जैसे आप 200 की बात कर रहे हो तो 200 के लिए वो बड़ा आईसर आता है, आईसर लेना चाहो तो आईसर भी आता है, बड़ा लोरी लेना चाहो मोटा सा गाड़ी वो भी आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या डिफरेंस आता है, बड़ी गाड़ी आईसर गाड़ी के में और बड़ी जो लोरी आती है मोड़ासा वाली, उसमें कम से कम रात दिन का एक 20,000 का फर्क है, 20,000 का फर्क है। ये इस गाड़ी में और बड़ी गाड़ी में आयसर में इसमें कितना? इस गाड़ी में और बड़ी गाड़ी में ऐसा है कि इस गाड़ी में जो क्वांटिटी है वो कम आएगी, हालांकि भाड़ा वही लगेगा आयसर की, वो ये रनिंग पे चलेगी, वो रनिंग पे नहीं चलेगी, वो डायरेक्टली जाने जाने का लेगी, ये अप एंड डाउन का लेगी, ये अपन प्राइवेट यहाँ से करके लेके जाएंगे तो ये यहाँ का, यहाँ से जैसे गाड़ी पार्टी के माल खाली करके वापस आने तक का इसका किराया है। आयसर का ऐसा नहीं, आयसर का जाने जाने का एक तरफा ऐसा। इसमें क्या है कि 70-75% वो माल आएगा ठीक है, उसमें 150 पीस डाल सकते हैं, वो डाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आयसर ज़्यादा सस्ती, आयसर ज़्यादा सस्ती पड़ती है। इस पर तो क्या 1,000 रुपये, 800 रुपये, 1,200 रुपये ऐसे अलग अलग पीस के अनुसार, जैसे जो लंबा डिस्टेंस है उस हिसाब से आता है। और आयसर में तो क्या आता है 450, 600, 450, इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ती बकरे पर, ऐसा है। अच्छा, एप्रोक्सी किराया बता सकते हो ना भाई, जैसे बड़ी गाड़ी वो तो जैसे कौन सा बंदा किस कंट्री का है उस हिसाब से है, कंट्री जैसे कोई हैदराबाद से, कोई बेंगलोर से, कोई कर्नाटक से, कुछ अदर अदर स्टेट का अदर अदर किराया लग रहा है।
ऐसा है। ये तो ये जा रही है ना आपके पास, मतलब इतना एक्यूरेसी कितना है? अभी जो ये जो मैंने हैदराबाद गाड़ी की है ये मैंने 65,000 के अंदर की है। 65,000 के अंदर? हाँ, 65,000 के अंदर की है, सिंगल पार्टीशन है, 100 पीस का है ओनली। हाँ, ये अगर इसके अपन 10,000 बढ़ा दें, 75,000 रुपये में डबल पार्टीशन जाएगी, उसमें आराम से आप 150 बकरा डाल सकते हो, 200 डाल सकते हो, वो पार्टी की उसकी रिक्वायरमेंट पे डिफरेंट है, ऐसा है। अच्छा, ऐसी बड़ी गाड़ी लेके जाएंगे तो मतलब इसके जो बच्चे हैं सेफ जाएंगे? मतलब सेफ जाएंगे, प्लस एक गवाल डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से रास्ते में इनको, जैसे अभी मान के चलो 1,000 किलोमीटर का या 2,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो उनके 1,000 किलोमीटर हो गया तो एक जगह रास्ते में खिला देंगे, और 2,000 या 1,500 हो गया तो दो जगह खिला देंगे। अच्छा, वो लेके जाना पड़ेगा आपको यहाँ से? हाँ, गवाल तो एक डालना पड़ेगा रास्ते में, मान के चलो गाड़ी ब्रेक वगैरह लगाती है तो बकरे के अगर अंदर गिर जाते हो तो उनको उठाना वगैरह, देखना करना वगैरह। ज्यादा कोई चार्जेस रहता नहीं? ज्यादा कोई चार्ज नहीं रहेगा, बजाय इसके नुकसान ज्यादा हो जाता है। नुकसान ज्यादा, एक बकरा भी अगर पार्टी का मर जावे तो फिर उधर कितना फर्क पड़ता है, ऐसा है। कटिंग के माल को कोई भी बंदा अवेलेबल नहीं रखता, सारा कलेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि कटिंग का माल ऐसा है कि आज अपन यहाँ रखें, ठीक है, कल को बिके नहीं बिके, ऐसा है। और जैसा रिक्वायरमेंट होती है वैसा जाके 2 मिनट अपने जैसे गांव से हो गया या आसपास के नज़दीकी एरिया से अपन माल ला के स्टॉक कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे पार्टी लेने वाले तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ये वाला है, हाँ, एडवांस आपने दे दिया उसके बाद में पार्टी मुकर जाती है तो वैसा इनमें होता ही नहीं है? नहीं नहीं, वो तो पट्टी पे कोई डिफरेंट ही नहीं है। चलो मान के चलो अगर पार्टी मुकरने का रीज़न कहाँ है बताओ? पार्टी मुकरने का रीज़न वहाँ होता है जहाँ वेट से काम होता है, वजन से काम होता है, वहाँ पार्टी मुकरने का रीज़न है। पार्टी के मन में क्या बहम होता है कि यार ये बंदे गुटखा पानी पिला देंगे, जो खिला देंगे, तो वहाँ वो पार्टी मुकरने के वो सकती है, लेकिन यहाँ तो मुकरने का कोई इशू नहीं है ना भाई, अपन तो पट्टी से दे रहे हैं, तो फिर उसमें कोई इशू नहीं है। वो तो अपने वो तो ही है, देखो एक्स्ट्रा भी कोई देगा नहीं तो कम भी कोई लेगा नहीं, ऐसा है। धन्यवाद जी सर।